मोनिट्री पॉलिसी इन द कैंड एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई फ्रेमवर्क स्टूडेंट्स हमने लास्ट मॉड्यूल में आई एस एल एम फ्रेमवर्क के हवाले से मॉनिटरी पॉलिसी को डिस्कस किया था केंद्र मॉडल में आज हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई फ्रेमवर्क के में ही बात करेंगे सो ऑबियसली सिमिलर रिजल्ट होंगे रदर सेम रिजल्ट होंगे जो आई एस एल एम मॉडल से हमारे पास आए थे The main difference between the Keynesian and classical approaches is the speed of price adjustment. This is the basic or main difference. Hai. Classical means instantly prices adjust constantly adjusting and Keynes means that ke prices are slowly adjust. Though the classical model has fast price adjustment, so the short-term aggregate supply curve becomes irrelevant. Whereas in the Keynesian model, the short-term aggregate supply curve is horizontal. बिकॉज मोनोपलिस कम्पटिटिव फॉर्म्स फेस मैन्यू कास्ट ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि मोनापलिस्टिक कम्पिटिशन है वो मैन्यू कास्ट का फिनमिना हमने डिस्कस किया था जिसकी वजह से वो शॉर्ट टर्म में प्राइसिस को फिक्स हो जाती हैं बहुत फ्रिक्वेंटली फॉर्म्स प्राइसिस को चेंज नहीं करते सो द शॉर्ट टर्न एग्रीट सप्लाई कार विल हॉरीजेंटल लाइन सो द इफेक्ट ऑफ अ टेन परसेंट इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज़ टू शिफ्ट द एगरीट डिमांड कर अब बाई टेन परसेंट सपोज हम अज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो मनी सप्लाई में टेन परसेंट इजाफा कर देते हैं तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा कि डिमांड कर शिफ्ट हो जाएगा टेन परसेंट अब अब दस आउटपुट राइज इन द शॉर्ट टन टू वेयर द शॉर्ट एन एग्रीट सप्लाई कर इंटरसेक्ट द एगरीगेट डिमांड कर इन द लॉन्ग रन द प्राइस लेवल राइजेज शॉर्ट रन में यानी आउटपुट चेंज होती है और लॉन्ग रन में प्राइस लेवल चेंज हो जाएगा काजिंग एज करव टू शिफ्ट अप सच डेट इट इंटरसेक्ट्स द एग्रीगेट डिमांड एंड लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर इसको हम डायग्राम से अभी देखते हैं सो इन द कैंडियन मॉडल मनी इज़ नॉट न्यूट्रल डायग्राम से हम इसको और समझेंगे कि मनी इज़ नॉट न्यूट्रल इन द शॉर्ट रन बट इट इज़ न्यूट्रल इन द लॉन्ग रन इस डायग्राम से देखें कि इनिशियली इकोनोमी इज एट दिस पॉइंट ई पॉइंट क्या है इस पर एग्रीगेट डिमांड कर ओके okay? लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई करव एंड शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये इक्विलिब्रियम है जनरल इक्विलिब्रियम भी है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम भी ठीक है ठीके? अब मनी सप्लाई में इजाफे से क्या होगा एग्रीगेट डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा टेन परसेंट हम अज्यूम कर रहे हैं उसमें इजाफा होगा जितने परसेंट इजाफा होगा एक्चुअली इस पर उतने परसेंट ही ये अपवर्ड आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा ओके okay. लेकिन शॉर्ट टन में तो चूंकि प्राइस फिक्स है एट दिस P1 वन सो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा एफ़ हो जाएगा जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कर वो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर क्योंकि शॉर्ट रन में प्राइस चेंज नहीं होगी तो एस आर एस वन और ए डी टू जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एफ़ तो ये शॉर्ट रन एक पॉइंट होगा इस पर क्या है कि आउटपुट में इजाफा हो गया हमने आई एस एल एम फ्रेमवर्क में भी यही देखा था कि शॉर्ट रन में आउटपुट में इजाफ़ा हो जाता है ठीक है लेकिन जब लॉन्ग रन में प्राइसेस एडजस्ट करेंगी तो प्राइसेस में इजाफ़ा होगा और उस इजाफे की वजह से शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर वापस शिफ्ट कर करिएगा उतने परसेंट ही जितने परसेंट प्राइसेस में मनी सप्लाई में इजाफा होगा तो फाइनली इन द लॉन्ग रन इकानोमी जो है वो अपने एज पॉइंट पर आकर एक में हो जाएगी तो वो एक बात हम बार बार उसको इसके इंडियन मॉडल में डिस्कस कर रहे हैं कि मनी जो है वो शॉर्ट टर्न में न्यूट्रल नहीं है शॉर्ट टर्न में वो आपके आउटपुट को रियल वेरिएबल को अफेक्ट करती है लेकिन लॉन्ग रन में मनी इस न्यूट्रल ये तो जाहिर है हम बात कर चुके हैं कि यह क्लासिकल और कैन सब का कन्फेंसिस है कि लॉन्ग रन में मनी न्यूट्रल है लेकिन शॉर्ट रन की जो कंट्रोवर्सी है उसको हम समझ रहे थे कैंडियन फ्रेमवर्क इट्स ओके